सर आप यकजहती के लिए आए? मैं जारी यकजहती के लिए भी और उनसे पूछने के लिए जनाब कि हमारे लाइफ में किसी किस्म की खिदमत होगी वो हमारा हाजिर है। हमारा एक एमएलए अब्डक्टेड है, उस स्पीकर को भी हमने उस पर लेटर दिया, चार पांच दफा हमने असेंबली के फ्लोर साहब को हमने खुशी तौर पर इजलास में भी जिसका उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं इसमें एक्शन लूंगा और उसके बाद भी हमने उनसे बात की। डॉक्टर साहब ने क्या साढ़े लाख की खिदमत है, एक या हंगर स्ट्राइक का मकसद जो है आवाम पे जो बढ़ती हुई महंगाई का बॉम्ब गिराया गया वो है, मेहरबानी करो सस्ती कर दो चीज़ें आपकी इंशाल्लाह ताला आवाम से अदावी निकाल दो, यही हमारी भी ख्वाहिश है। तीसरा हम ये कह रहे हैं कॉस्ट के ऊपर नहीं, हमारे जज्बात वही। तीसरा हमारा शराइ साहब ये था कि जाली फॉर्म 47 पे हमारे जो दोस्त बैठे हैं जिन्होंने हमारे लोगों का डाका मारे वापस किया जाए तो मेहरबानी कराओ सारी सीटा वापस कराओ। ये जनाब का एक दावा है, हकीकत पता लगेगी। चंगी हजार एक जाती है जी, डॉक्टर साहब कोई मुतालबा करेंगे उठाने का? इन्होंने हमारे बंदे उठाए हुए हैं, इन्होंने और कुछ नहीं उठाना, हमने कोई बंदा नहीं उठाया हुआ। एक अजीब इम्तियाज साहब से मेरी हमदर्दी है इंशाल्लाह, वजीर आजम साहब को पहले भी कहा इजलास में उन्होंने यकीन दहानी कराई और इंशाल्लाह उसको आप ये तो मानते हैं ना कि एक सिविलाइज माशरे के अंदर आज की सदी में आज के दौर में मेंबर कौमी असम्बली उठा लिया जाए ये जुल्म है कि नहीं? जुल्म है कि नहीं? अच्छा मैं उसको बात जुल्म है कि नहीं, कोई भी करे, कोई भी करे, मेंबर कौमी हमारे भी उठाए जाते रहे हैं, जुल्म की बात नहीं है। अगर मैं ये नहीं कर रहा, अगर आपका कोई एमएलए पुलिस से छीन के अगवा किया गया मैं दसूं? पुलिस नहीं चाह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई तो साढ़े को लाइन मिनिस्टर साहब ने हम तो आपको पहले भी कहा और अभी भी कहा है इंशाल्लाह ताला कि हम उस रिश्ते को जुल्म नहीं है अगर आपके उठाए गए थे मैं समझता हूँ आप हमारे को मानते हैं जुल्म के नहीं था। अगर किसी को भी नजायज उठाया गया है वो जुल्म नहीं, वो बहुत बड़ा जुल्म। चलो डन हो डन।